अडानी ग्रुप द्वारा 15 दिसंबर से बिलासपुर के बरमाणा व सोलन के दाड़ला घाट दोनों सीमेंट प्लांट को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फरमान जारी कर दिया था, जिसके बाद से बीते 37 दिनों से जहां सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं तो साथ ही ट्रक ऑपरेटर सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आलम यह है कि प्रदेश सरकार के साथ ट्रक ऑपरेटर्स व कंपनी प्रबंधन की 3 चरणों में बैठक आयोजित हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। सीमेंट कंपनी प्रबंधन व केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस कदम ना उठाए जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रक ऑपरेटर्स के समर्थन में सर्किट हाउस बिलासपुर से उपायुक्त कार्यालय परिसर तक रोष रैली निकालकर अडानी ग्रुप व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अडानी ग्रुप व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पुतला भी जलाया। यह रोष रैली हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व बिलासपुर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। सरकार का पूरा जो नियत है वो ट्रांसपोर्टरों के साथ है और फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो अपना रवैया बदलें। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाई कुछ हम झुकने को तैयार हैं, कुछ आप झुको, लेकिन कोई रास्ता तो निकालो। तो सरकार तो बिल्कुल प्रयासरत है, लेकिन जब केंद्र सरकार इस मसले को सुलझाना नहीं चाहती है, जब नड्डा जी इस मसले को सुलझाना नहीं चाहते, मोदी साहब इस मसले को सुलझाना नहीं चाहते, तो आज मजबूर होकर के कांग्रेस पार्टी को नड्डा के खिलाफ और अडानी के खिलाफ ही आंदोलन करना पड़ा है। पहले आप कभी अपनी यूनियनों को तोड़ रहे हैं और दूसरी यूनियन बना रहे हैं, फिर वो यूनियन जो है नड्डा से मिलने जा रही है दिल्ली में, और नड्डा साहब बोलते हैं देखेंगे सोचेंगे। तो देखना सोचना क्या है इसमें, अब महीने से ऊपर गुजर गया समय, ट्रांसपोर्टरों के बच्चों की फीस तक देना मुश्किल हो गई है और रोटी रोजी का संकट उनके ऊपर खड़ा हो गया, और जो चमचागिरी करने में लगे हैं भाजपा के कुछ चंद ट्रांसपोर्टर नेताओं को कह रहा हूँ मैं, जो ट्रांसपोर्टर नेता हैं चार पाँच, वो नड्डा से दिल्ली में मिलकर करके जो है वो बिलासपुर के ट्रांसपोर्टरों को, दाड़ला के ट्रांसपोर्टरों को, हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इसमें राजनीति ना करें, इसमें कोई भी पार्टी आपके खिलाफ है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, पर हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल साफ़ है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बिल्कुल साफ़ है, प्रतिभा सिंह जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, पूरी सरकार ट्रांसपोर्टरों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़ी है, और आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और नड्डा जी से मैं यही बार बार कहना चाहूँगा कि आपका दोस्त है, बिलासपुर के लोग हड़ताल क्यों करें, दाड़ला के लोग हड़ताल क्यों करें, आपका मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाए, अडानी का मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाए, लेकिन यहाँ के लोग पिस जाएं, वो ख़त्म हो जाएं, और ऐसे आपके जो मतलब आपकी जो दमनकारी नीति है उसको सहन करते रहें, तो जिंदाबाद के भी तो बिलासपुर के लोग ही लगाते हैं आपके, जिंदाबाद भी तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने लगाई है। पर जब आपके सामने इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है और ये सारे जो है सभी पार्टियों के लोग इसमें ट्रांसपोर्टर हैं, सबके रोटी रोजी का प्रश्न खड़ा हो गया, और आप जो है जुबान तक नहीं ला रहे हैं अपनी, तो ऐसी बिलासपुर के लोगों की, हिमाचल प्रदेश के लोगों की गलती क्या है कि आखिर जो है मोदी साहब और नड्डा जी अपनी जुबान नहीं खोल रहे हैं और हजारों ट्रांसपोर्टरों का हक जो है खत्म हो गया। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।